भगवान श्री राम ये हिंदू धर्म के मुख्य प्रमुख देवता है, जो कि भगवान विष्णु नारायण के अवतार है। अब तक हमने राम नाम की महिमा के बारे में बहुत सुना है। क्या आपको ये पता है कि हम जब भी एक दूसरे को मिलते हैं तो राम राम ये शब्द कहते हैं, पर आखिर राम शब्द दो बार ही क्यों कहा जाता है? इसको हम पूरे जानकारी के साथ आपको समझाएंगे, उससे आपको राम नाम के महत्व समझ में आएंगे। राम, राम ये शब्द रा और आ के मिलन से रा बनता है और उसमें म उसके साथ जुड़ता है। ये रा प्लस आ प्लस म ये मिलकर बना हुआ है। जो हिंदी शब्दावली में इनके क्रमांक अनुसार देखे तो रा ये शब्द 27 नंबर पर आता है और आ ये शब्द 2 नंबर पर आता है। उसी तरह म ये शब्द 25 नंबर पर आता है। इन सबके नंबर एकत्र मिलाकर उनका अंक निकाला जाए तो वो 54 नंबर आता है। इस प्रकार राम शब्द एक बार बोला तो 54 अंक होता है और दो बार बोला तो 108 बार होता है। इसका अर्थ सीधा है, हम जब भी राम राम बोलते हैं तब हम 108 बार राम नाम का जप कर लेते हैं। और हिंदू धर्म के ग्रंथ शास्त्रों के अनुसार अगर आप किसी भी भगवान का नाम जप 108 बार करते हैं तो आपको सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन केवल भगवान श्री राम का नाम ही ऐसा है जिसको हम दो बार कहा जाए, तो राम नाम का जप दो ही शब्दों में 108 बार हो जाता है, जिससे कि हमें सिद्धि प्राप्त होती है, इसलिए राम राम कहा जाता है। तो देखो मित्रों, राम नाम में कितनी ताकत है, इसलिए राम नाम का जप करते रहे मित्रों। जय श्री राम।